हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज वीडियो में आपको रिव्यू देने वाला हूँ एंड्रॉयड 10 का या वन यू आई 2 का, जो भाई रिलीज़ हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A50 के लिए। तो ये मैं आपको अपना वन मंथ का रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस अपडेट को इंस्टॉल करा 28th of May। एंड आज जिस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 30th of June। तो इसलिए आज मैं इसका वन मंथ का रिव्यू देने वाला हूँ। भाई इस पर मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी है, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज़ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। इसका सबसे जो नंबर वन फीचर लगा इस अपडेट के साथ जो आया था, इट इज़ फुल स्क्रीन गेस्टियस। तो ये जो भाई फीचर था, ये कहीं ना कहीं आईफोन 10 से इंस्पायर्ड है। तो इसमें भाई आपको लाइक आईफोन 10 वाले जो गेस्टियस होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी भाई। लाइक मैं पर्सनली भाई एंड्रॉयड क्यू के लिए, लाइक एंड्रॉयड क्यू का भाई मेरे को मेन रीज़न जो अपडेट किया था भाई, ये रीज़न लगा था। तो फुल स्क्रीन गैजेट्स भाई, कुछ लोगों को ये गैजेट्स अच्छी लगेंगे, कुछ लोगों को नहीं लगेंगे। एंड अगेन ये गैजेट्स इसके एंड्रॉयड 10 के साथ आए थे, तो इन गैजेट्स के बारे में भाई इतना ही कहना था। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है ये गैजेट्स, तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करे तो भाई एक बार ट्राई कर लेना। मेरे को इस अपडेट की जो दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो है भाई डिवाइस केयर / डिवाइस मैनेजमेंट। तो जब आपने वन यू टू में अपग्रेड करोगे तो आपने देखो भाई डिवाइस केयर काफ़ी ज़्यादा इस फोन का है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है आफ्टर दी अपडेट। अब मैं ये नहीं कह रहा इसका ऑप्टिमाइजेशन इम्प्रूव कर दिया गया है, वो क्यों कह रहा हूँ वो आपको इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा डिसएडवांटेज वाली उस पर तो चलेगा। तो इस पर भाई डिवाइस केयर पर एक जो भाई मुझे पर्टिकुलरली जो भाई सबसे अच्छा जो फीचर लगा, जिससे आप अपने फ़ोन की स्टोरेज बचा सकते हो, जो फॉर एग्जांपल का जो मेरा जो सिस्टम है वो है 64 GB वाला। तो अब इस वजह कभी कभी मुझे स्टोरेज की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं बिना एसडी कार्ड के यूज़ करता हूँ। तो इसमें अब एक नया ऑप्शन आया विच इज़ नोन एज स्टोरेज बूस्टर, एंड वहाँ पर हमें जिप रेयरली यूज ऐप्स के बारे में बताया गया है। तो जैसे कभी हम कोई ऐप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो हम उस ऐप को एक एज अ जिप फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। जब हमें यूज़ करना हम उनको अनजिप भी कर सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं मैंने अपने फ़ोन पे 1.7 GB बचा के रखी है, तो पबजी को अनजिप कर देना, तो ये सब। तो ये चीज़ भाई काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस अपडेट कर में। ये भाई मेजर पॉइंट है जिसके चक्कर में आपको अपडेट करना ही चाहिए। ये मतलब गेस्टिया वाले पॉइंट से भी अच्छा लगता है मेरे को। तो मतलब इससे आप समझो कि मेरे फ़ोन पे भी 4.5 GB खाली है। तो पहले मेरे फ़ोन पे 700 या 800 MB खाली थी, लाइक मैं इसे बहुत ज़्यादा ही स्टोरेज सेव करी, लाइक मैं अब कुछ ऐप्स डिलीट कर देता हूँ। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। एंड नाउ अब भाई बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, क्योंकि भाई हर चीज़ पॉजिटिव अच्छी नहीं लगती। जैसे COVID-19 की रिपोर्ट, की जो रिपोर्ट होती है टेस्ट, वो हमें पॉजिटिव अच्छी नहीं लगती, तो हमें कुछ चीज़ें नेगेटिव भी अच्छी लगती। खैर ये चीज़ फ़ोन पे लागू नहीं होती, लेकिन भाई सैमसंग को पता नहीं इस पे क्या मज़ा आता है करने पे। तो जो मुझे इस फ़ोन का सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट लगा कि ये फ़ोन आफ्टर द अपडेट, ये फ़ोन इतना ज़्यादा इसका पूरा ऑप्टिमाइजेशन बिगड़ गया है कि ये फ़ोन इवन कुछ कुछ टाइम इतना हैंग कर जाता है। अगर आपके व्हाट्सएप पे, मैं कभी गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कभी कभी आपको व्हाट्सएप में बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, लाइक बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, एंड आप फ़ोन को मतलब पावर ऑफ करके ऑन करते हैं, एंड देन ये फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तूने तो फ़ोन को पावर ऑफ करके ऑन करें, लेकिन ये कभी कभी ऐसे आइडियल फ़ोन पे भी, लाइक फ़ोन बंद रहता है उसके बाद भी व्हाट्सएप बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये फ़ोन इतना ज़्यादा हैंग हो जाता है कि इवन एक बार इस फ़ोन ने खुद ही को रिस्टार्ट कर लिया था। एंड ये चीज़ लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती थी, अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हल्का हल्का फ़ोन हैंग करने लगता है। तो इस फ़ोन में लाइक सैमसंग को अपने रैम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मतलब इसका ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग को कहीं ना कहीं अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस हो सकती है। लाइक आप मानेंगे नहीं, अगर आप गेम भी खेल, लाइक मैं पबजी नहीं खेलता, मैं COD खेलता हूँ, इसलिए मैं पबजी को ज़िप करके रखता हूँ। तो COD में लाइक इट्स अ ग्राफिक इंटेंसिव गेम, तो उस पर कभी कभी हमें लाइक 12-11 FPS मिलती है। तो नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस मुझे जो इस अपडेट के हमें जो दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी वो थी कि इसको हम लोग पता ही है कि भाई A50 कैन शूट 4K वीडियोस, लेकिन सैमसंग ने जो इसका ओरिजिनल ऐप है, अभी तक सैमसंग उसको कोई 4K वीडियोस का नामो निशान नहीं दिया है। लाइक आप मेरे ख्याल से 2K वीडियोस तक शूट कर सकते हो, क्योंकि मैं इस फ़ोन से ज़्यादा वीडियोग्राफी करता नहीं हूँ।
लेकिन स्टिल भाई 4K वीडियोस हम लोग को शूट करने का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि इवन जो स्ट्रेंज भाई सस्ते सस्ते फ़ोन आते हैं उन पर भी आप कर सकते हो। तो सैमसंग ने इस पर वैसे कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन से एक अल्टरनेटिव है कि आप प्रो कैमरा ये सब जो बाहर की कैमरा एप्लीकेशन है आप उनसे जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो 4K वीडियोस। तो इसी फोन के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ गाइस, एंड प्लीज़ 500 सब्सक्राइबर करा देना। एंड जो इस वीडियो में मैंने आपको एक zip फाइल के बारे में बताया था कि जिससे हम लोग अपनी जो फाइल्स है वो zip कर सकते हैं अपनी फाइल्स को, जो हम लोग इतनी यूज़ नहीं करते। तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में भी जानना है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आफ्टर मेरे जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो भाई पहले 500 सब्सक्राइबर कराओ, उसके बाद आपको एक प्रॉमिस उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम जो फाइल्स हैं जिनको हम इतना चलाते नहीं उनको कैसे हम लोग zip कर सकते हैं बिना किसी ऐप के। तो गाइस प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ठीक है फोर्स नहीं कर रहा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। सो टिल देन गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट।